हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और ये भी आपको गुड मॉर्निंग कर रही है। शिवांगी ब्लॉग्स में आपका स्वागत हो। और मैं आज आपके लिए माता रानी की प्रतिमा लेके आई हूँ। माता रानी की प्रतिमा बनाऊंगी और वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप देखिए माता रानी की प्रतिमा मैं कैसे बना रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये छोटा सा बॉक्स लिया है और इसमें छेद कर दिया है गर्म करके। और इसमें लकड़ी इसमें मतलब इसके अंदर मैंने एंटर कर दिया ऐसे। और अब मैं इनका माता रानी का पैर बनाऊंगी। पैर बनाने के बाद फिर ऊपर का पोर्शन बनाऊंगी और वो आपको साथ शेयर करूँगी। आप लोग ज़रूर देखिए मेरे वीडियो को। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने माता रानी का तीन तीन हाथ लकड़ी करके उसके बाद उसके ऊपर आटा से ही मैं बना रही, क्योंकि आटा से मुझे लगता है कि बेस्ट बनेगा। और चलिए देखते हैं कैसा बनता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इतना माता रानी का प्रतिमा ये तैयार कर दिया है। इनको पहले से ही कपड़ा बना दिया है और इनकी आँख और जो आँख ये सब बनाना वो बाकी है अभी। वो बनाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे लगती है माता रानी। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। जय माता दी। तो गाइस देख सकते हैं आप, मैंने दुर्गा माँ की प्रतिमा को पूरा फाइनल फिनिश बना दिया है। और जैसा भी बना हो, अगर आपको वीडियो लाइक अगर अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और आपकी मनोकामना माता रानी पूरी करे। और आप देख सकते हैं मेरी माता रानी मैंने देखिए आप देख सकते हैं ये मैंने माता रानी की बनाई है प्रतिमा। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा दोस्तों। बाय गाइस।